है, जिस गली में शहर के अंदर आपको नाली के अंदर खून मिले तो कृपया करके मुझे या मेरे संगठन के व्यक्ति को बताएं, हम इन्हें बताएंगे कि ईद किस तरह मनाई जाती है। दोस्तों, इस वीडियो को देखकर आप ये तो जरूर समझ गए होंगे कि बकरीद आने वाला है, जिसको लेकर हिंदू संगठनों द्वारा बीच रोड पर खुलेआम मुसलमानों को धमकी देने का काम जो है वो किया जा रहा है। सोशल मीडिया पे इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा ये किया जा रहा है कि उत्तराखंड हरिद्वार का है ये वीडियो, जहाँ पे मुसलमानों को हिंदू संगठनों द्वारा खुलेआम जो है वो बकरीद मनाने को लेकर धमकी दी जा रही है। बताया ये जा रहा है कि अगर नाली में कहीं भी खून दिख जाए तो इन संगठनों को आप जानकारी दें और उसके बाद ये लोग बताएंगे कि बकरीद कैसे मनाया जाता है, यानी कि खुलेआम आप इसे धमकी समझ सकते हैं। वैसे भी उत्तराखंड में क्या कुछ हो रहा है ये आपसे छुपा नहीं है, कई वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि कैसे वहाँ पे मुसलमानों के घरों के ऊपर पर्चा लगा दिया जा रहा है, मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रही है, मुसलमान घर छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं, पलायन कर रहे हैं। और आज सुबह मैंने आपको ये वीडियो दिखाई, इस वीडियो में आप देखेंगे कि हरिद्वार गंगा घाट का ये वीडियो है, जहाँ पे एक मुसलमान फैमिली बैठा हुआ था और उसके बाद एक शख्स आता है और उन लोगों को भगा देता है और कहता है कि यहाँ पे सिर्फ हिंदू आ सकते हैं और कोई नहीं आ सकता। उसके बाद वहां से मुसलमानों को भगा दिया गया। लेकिन अब जो है ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है, वीडियो उत्तराखंड हरिद्वार का बताया जा रहा है, जहाँ पे हिंदू संगठन जो है वो खुलेआम धमकी देते हुए नजर आ रहे, लेकिन सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही। अगर वाकई ये वीडियो उत्तराखंड हरिद्वार का है तो सरकार को तो इस पर एक्शन लेना चाहिए कि क्या बकरीद मुसलमान नहीं मना सकते, और अगर बकरीद मनाएंगे मुसलमान तो खून नाली में नहीं बहेगा तो फिर कहाँ पे बहेगा, ये भी जरा ये लोग बता दे। और उसके बाद जो है वो लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या उत्तराखंड में जिस तरीके से कट्टरपंथ फैल रहा है उसका नतीजा जो है वो मुसलमानों को भुगतना जिस तरीके से पड़ रहा है उस पर जो है वो सरकार कब बड़ा एक्शन लेगी, क्योंकि सरकार का तो यही काम है कि जो भी धर्म के लोग हैं, धर्म की तो यहाँ पे बात ही नहीं करनी चाहिए, वो अपने लोगों को सुरक्षा देने में कामयाब होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन वहीं पे सरकार जो है वो बिल्कुल खामोश है। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा जो कुछ भी हुआ उत्तराखंड में, और उसके बाद अब ये वीडियो जो है जैसे ही बकरीद नजदीक आ रही है उसके बाद आपको अब ये सब देखने को मिल रहा है कि खुलेआम जो है वो धमकी दी जा रही है। अगर ये वीडियो वाकई में वहां का है जैसा कि दावा किया जा रहा है तो सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए कि ये लोग कौन होते हैं कि जो खुलेआम जो है वो किसी एक धर्म विशेष को धमकी दे, क्या इन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, ये सोशल मीडिया पे लोग जो है वो बात कर रहे हैं। फिलहाल आपकी क्या राय है इस वीडियो को देखने के बाद, जिस तरीके से बकरीद नजदीक आ रहा है और जिस तरीके से ये वीडियो आपको सामने देखने को मिल रहा है, इसके बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।